बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे ये बच्ची है, दे दो अब पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में, वायुसेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायु सेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75% मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे, 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 है वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ 1 तरीके का होता है, सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान एक बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 150,000 युवाओं ने अग्निवीर योजना से पहले इन 150,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 150,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी, तुम्हारी ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं, जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात करके जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं।